रेवाड़ी में बीजेपी से बागी हुए रणधीर सिंह कापड़ीवास ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ रैलियां ऐसी थी जिसमें मोदी के एक भी पोस्टर राव इंद्रजीत ने नहीं लगवाए और बीजेपी की आलोचना करते हुए नजर आए। उन्होंने राव इंद्रजीत पर किसी का सगा नहीं होने का आरोप लगाया। नकली और असली में मैं इसको स्पष्ट करते हुए बताऊंगा कि राव इंद्रजीत सिंह जी विकास मंच से 2014 में आए और 2014 में आने के बाद वरना विकास मंच में जमानत जब्त होती। यहाँ मोदी जी ने उनको सांसद बनाया और सांसद बना के मंत्री भी बनाया। मंत्री की ताकत लेके टिकटें कई दी विधानसभा में, टिकटें देकर एक एक दिन पहले ज्वाइन करने वाले लोगों को मंत्री बनवाया। और असली वो थी जो बुरे समय में जब कोई टिकट लेने वाला नहीं था, पूरे गुड़गांव क्षेत्र में सबकी जमानत जब्त होती थी, एक ही व्यक्ति एक ही सीट रेवाड़ी की ऐसी थी जिसका मुकाबला कड़ी टक्कर का होता था और दक्षिणी हरियाणा में एकमात्र रेवाड़ी की सीट और महेंद्रगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखती आई है।